दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि आपकी स्किन किस तरह की है? क्योंकि जब तक कि आपको ये पता ना हो कि आपकी स्किन किस तरह की है, तब तक कि आप अपने चेहरे के लिए सही स्किन केयर प्रोडक्ट और यहाँ तक कि सही घरेलू नुस्खे का भी सिलेक्शन कर ही नहीं सकते। और हम में से अक्सर लोगों को एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि उनकी स्किन किस तरह की है, और जिन लोगों को पता भी होता है तो उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें अपनी स्किन के हिसाब से किस तरह का फेस वॉश, क्रीम या फिर घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करना चाहिए। और सिर्फ किसी का देख कर या सुनकर ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो कि उनकी स्किन के लिए सुटेबल ही नहीं होता, और जिसकी वजह से चेहरे में रिएक्शन होना शुरू हो जाता है और यहाँ तक कि चेहरे में एक्नी, पिंपल्स, दाग धब्बे, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होने के साथ साथ इन्फेक्शन, स्किन डलनेस, रेडनेस और एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्योंकि हमारी स्किन 5 तरह की होती है और मार्केट में मिलने वाले फेस वॉश, क्रीम, मॉइस्चराइजर और यहाँ तक कि घरेलू नुस्खे भी हर अलग अलग तरह की स्किन के लिए अलग अलग होते हैं। इसलिए अपनी स्किन टाइप को पहचान कर उसके हिसाब से फेस वॉश और दूसरे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को चुनना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5 तरह की स्किन कौन कौन सी होती है और उसमें से आप अपनी स्किन को किस तरह से पहचान सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी अच्छी देखभाल के लिए आपको अपने चेहरे के लिए किस तरह के फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और कौन कौन से घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही साथ अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने में खान पान और लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव करना चाहिए। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जो भी प्रोडक्ट को बताया है तो वो किसी कंपनी को प्रमोट करने के मकसद से बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ इसलिए है ताकि आपको किसी भी प्रोडक्ट को अपनी स्किन के हिसाब से चुनने में आसानी हो, और इसलिए उन सभी अच्छे प्रोडक्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, अब चाहे तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 पे आता है ऑयली स्किन। दोस्तों, इस तरह की स्किन टाइप में साल के 12 महीने पूरे चेहरे पे तेल जैसा निकलता रहता है, और जो कि स्किन के अंदर सीबम ग्रंथि में ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ जाने की वजह से होता है, जो कि काफी हद तक व्यक्ति के जेनेटिक, उसके रहने वाली जगह का मौसम, खराब खान पान और लाइफ स्टाइल, गलत तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल और व्यक्ति के एज फैक्टर पे डिपेंड करता है। चेहरे पे ज्यादा ऑयल निकलने की वजह से रोम छिद्र बड़े हो जाते हैं और ये धूल मिट्टी और पोल्यूशन को भी अपनी तरफ खींचता है, जिससे स्किन पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लगते हैं, जिसकी वजह से ऑयली स्किन वाले लोगों को व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, दाग धब्बे, एक्नी, पिंपल्स और नाक के दोनों साइड के हिस्से में खुले रोम छिद्र होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आपकी स्किन ऑयली है या नहीं जानने के लिए चेहरा धोकर 1 से 2 घंटे तक चेहरे को बिना कुछ लगाए यूं ही छोड़ दें, यहां तक कि हाथों से टच भी न करें। उसके बाद एक टिश्यू पेपर की मदद से या अपने हाथों की 2 उंगली को अपने गाल और नाक के साइड के हिस्से में हल्के से दबाएं। अगर आपको अपनी उंगली में चिपचिपापन महसूस होता है या फिर टिश्यू पेपर में तेल जैसा नजर आता है तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन ऑयली है, और आपको अपनी स्किन के टाइप के हिसाब से ही किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का चुनाव करना चाहिए। ऑयली स्किन में भी स्किन की 3 तरह की कंडीशन होती है। एक तो वो स्किन जो सिर्फ ऑयली होती है और उसमें दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, दूसरी वो जो ऑयली होने के साथ साथ नाक के आसपास के हिस्से में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम भी होती है, जो कि छोटे छोटे गड्ढे जैसे दिखते हैं, और तीसरी वो जो स्किन ऑयली होने के साथ साथ एक्नी और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी होती है। हमें इन तीनों स्किन कंडीशन की देखभाल अलग अलग तरह से करनी चाहिए। अगर आपकी स्किन सिर्फ ऑयली है, यानी एक्नी, पिंपल्स और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरह की स्किन में ऐसे फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें लो अमाउंट ऑफ सैलिसिलिक एसिड या एक्टिवेटेड चारकोल जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल चेहरे से ऑयल, डर्ट, पोल्यूशन को रिमूव करने में बहुत मदद करता है। और चेहरा धोने के बाद ऑयली स्किन वाले लोगों को ऐसा मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए जो कि ऑयल फ्री या वाटर बेस्ड हो, यानी देखने में बिल्कुल पानी की तरह हो, क्योंकि इस तरीके का मॉइस्चराइजर ही ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए परफेक्ट होते हैं, और जो कि स्किन में आसानी से एब्जॉर्ब होकर ऑयल को बैलेंस रखने में मदद करते हैं। जिन लोगों की स्किन ऑयली होने के साथ साथ ओपन पोर्स यानी खुले रोम छिद्र की समस्या भी है, तो ऐसे लोगों को फेस वॉश तो ऑयली स्किन वाला ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन चेहरा धोकर पोंछने के बाद और मॉइस्चराइजर लगाने से 4-5 मिनट पहले चेहरे पे टोनर अप्लाई करना चाहिए। बेसिकली टोनर पानी जैसी कंसिस्टेंसी वाला एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है जो कि चेहरे पे आने वाले ऑयल को बैलेंस करता है और बढ़े हुए रोम छिद्र को कम करने में बहुत मदद करता है। और अगर आपका चेहरा ऑयली होने के साथ साथ एक्नी और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी है तो आपको जेल फॉर्म में मिलने वाले फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर ऐसे फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें नीम, एलोवेरा, ग्लिसरीन या बेंजोल पेरोक्साइड जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि ये चीजें चेहरे से ऑयल रिमूव करने के साथ साथ पिंपल्स
पिंपल्स को सुखाने में भी बहुत मदद करता है। और चेहरा धोने के बाद एक्नी प्रोन स्किन में भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ऑयली स्किन, ऑयली प्लस ओपन पोर्स और ऑयली प्लस एक्नी प्रोन स्किन वाले लोगों को कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो चेहरे पे मलाई और बहुत ग्रीजी क्रीम या फिर घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और हमेशा ही ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि वाटर फॉर्म में हो और नॉन ग्रीजी हो, जैसे कि गुलाब जल, मुल्तानी मिट्टी, नींबू, हल्दी और ग्लिसरीन जैसी चीजें। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले चेहरा धोकर सोएं। खाने में ताजे फल और हरी पत्तेदार सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए, और दिन भर में 2.5 से 3 लीटर यानी 10 से 12 गिलास पानी पीने के साथ साथ चीनी से बनी चीजें, जंक फूड और तली हुई चीजों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीजों के ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से स्किन में ऑयल का प्रोडक्शन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और साथ ही साथ दूध से बनी चीजों का भी कम मात्रा में सेवन करना चाहिए, क्योंकि दूध एक एनिमल प्रोडक्ट होता है और जिसकी वजह से इसमें कई तरह के हॉर्मोन्स पाए जाते हैं, इसलिए इसके ज्यादा इस्तेमाल से स्किन में ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं और आपकी स्किन और भी ज्यादा ऑयली हो सकती है। नंबर 2 पे आता है ड्राई स्किन। दोस्तों, इस तरह की स्किन टाइप में साल के 12 महीने स्किन रूखी सूखी रहती है, यानी स्किन में ऑयल का नामो निशान नहीं रहता, और सर्दी के मौसम में प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्किन में रफनेस, डलनेस, लाल धब्बे, इचिंग, फाइन लाइंस, हंसने और बोलने में स्किन में खिंचाव महसूस होने जैसे लक्षण ड्राई स्किन वाले लोगों के चेहरे पे आसानी से देखे जा सकते हैं, और कभी कभी स्किन की पतली लेयर छिल छिल कर बाहर निकलने लगती है। स्किन के ड्राई होने की वजह जेनेटिक, बहुत ज्यादा ठंडा मौसम, हार्मोनल इम्बैलेंस, खराब खान पान या चेहरे पे गलत तरह के फेस वॉश या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना भी हो सकता है। ड्राई स्किन वाले लोगों को ऐसे फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि ऑयल बेस्ड हो या फिर क्रीम बेस्ड हो, यानी फेस वॉश होते हुए भी देखने में बिल्कुल ऑयल या फिर क्रीम जैसा हो, और उसे चेहरे पे अप्लाई करने के बाद भी बहुत ज्यादा झाग नहीं निकलता हो, क्योंकि इसी तरह का फेस वॉश ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए सुटेबल होता है। और चेहरा धोने के बाद ड्राई स्किन में मॉइस्चराइजर भी क्रीम बेस्ड या फिर ऑयल बेस्ड ही लगाना चाहिए, और अगर मॉइस्चराइजर नहीं है तो प्योर बादाम का तेल, जैतून का तेल या फिर प्योर नारियल तेल भी लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ ड्राई स्किन वाले लोगों को ऐसे किसी भी तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसमें आर्टिफिशियल कलर, फ्रेग्रेंस और अल्कोहल जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि इस तरह की चीजें चेहरे से ऑयल को खींचने का काम करती है, जिससे स्किन और भी ज्यादा ड्राई हो सकती है। ड्राई स्किन वाले लोगों को चेहरा धोने या नहाने में बहुत ज्यादा गर्म या फिर बहुत ज्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा देर तक चेहरा धोने या फिर नहाने से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि आप जितनी देर तक चेहरा धोते या नहाते हैं स्किन से उतना ज्यादा मात्रा में नेचुरल ऑयल बाहर निकल जाता है, जिससे स्किन और भी ज्यादा ड्राई हो सकती है। और चेहरा पोंछते वक्त हल्के हाथों से ही पोंछना चाहिए, क्योंकि ज्यादा रगड़ कर पोंछने से स्किन की ऊपरी लेयर छिलकर डैमेज हो सकती है। खाने में ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए, और क्योंकि ड्राई स्किन शरीर में पानी की कमी और स्किन में ऑयल के प्रोडक्शन की कमी की वजह से होते हैं, इसलिए दिन भर में 10 से 12 ग्लास पानी और रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद 1 ग्लास दूध का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है और दूध स्किन में ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, जिससे स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है और चेहरे का सूखापन भी दूर होता है। और अगर आप चेहरे पे घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं तो ख्याल रखें कि मुल्तानी मिट्टी, संतरे का रस और नींबू का रस जैसी चीजों का इस्तेमाल चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें चेहरे से ऑयल को एब्सॉर्ब करने का काम करती है, जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए सुटेबल होता है, लेकिन ड्राई स्किन में इसके इस्तेमाल से ये स्किन को और भी ज्यादा ड्राई बना सकते हैं। और एक और बात का ख्याल रखें कि जब भी आप चेहरा धोएं तो चेहरा पोंछने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 3 पे आता है कॉम्बिनेशन स्किन। इस तरह की स्किन टाइप में स्किन का कुछ हिस्सा ड्राई और कुछ हिस्सा ऑयली होता है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं। इसे पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस तरह की स्किन में टी जोन यानी पेशानी, दाढ़ी और नाक के आसपास का हिस्सा ऑयली होता है, जबकि दोनों चीक साइड का हिस्सा ड्राई या फिर नॉर्मल होता है। ये स्किन टाइप बहुत ही कॉमन होती है और इसलिए यही स्किन ज्यादातर लोगों में देखी जाती है। इस तरह की स्किन वाले लोगों की स्किन गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा ऑयली और सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा ड्राई भी हो सकती है। अगर बात की जाए फेस वॉश की, तो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए चारकोल फेस वॉश एक बेस्ट ऑप्शन है, जो कि स्किन से ऑयल, डर्ट और पोल्यूशन को रिमूव करता है और साथ ही साथ स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं करता। चारकोल फेस वॉश को हमें हाथ में लेकर थोड़ी देर के लिए रब करना चाहिए, और जब इसका काला रंग ग्रे कलर में बदल जाए तब इसे चेहरे पे अप्लाई करना चाहिए। ऐसा करने से स्किन में ज्यादा सेंसेशन भी महसूस नहीं होती और चेहरे की सफाई भी अच्छे से होती है। कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोगों को जो सबसे बड़ा
चेंज अपनी स्किन केयर रूटीन में करना चाहिए वो है मॉइस्चराइजर, क्योंकि सर्दी के मौसम में कॉम्बिनेशन स्किन टाइप अक्सर ड्राई हो जाती है, इसलिए सर्दी के मौसम में क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि स्किन को पूरी तरह से हाइड्रेट किया जा सके। और गर्मी के मौसम में क्योंकि स्किन ऑयली हो जाती है इसलिए ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। और बाकी की चीजें भी सर्दी के मौसम में ड्राई स्किन केयर वाली रूटीन और गर्मी के मौसम में ऑयली स्किन केयर वाली रूटीन को फॉलो करना चाहिए। नंबर 4 पे आता है सेंसिटिव स्किन। बेसिकली इस तरह की स्किन में चेहरे पर ईचिंग और रेडनेस भी देखा जा सकता है। सेंसिटिव स्किन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि चेहरे पे कोई भी चीज लगाने से अक्सर एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ घरेलू नुस्खे भी सेंसिटिव स्किन में बिल्कुल भी सूट नहीं करते। इसलिए सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को जो चीजें स्किन में सूट करती हैं उसे ही कंटिन्यू यूज करना चाहिए और कोई भी नई चीज चेहरे पे इस्तेमाल करने से पहले उसे 2 से 3 दिन कान के पीछे वाले हिस्से में इस्तेमाल करके चेक कर लेना चाहिए। और अगर उसे किसी भी तरह की रेडनेस या फिर एलर्जी महसूस होती है तो इस तरह के प्रोडक्ट को चेहरे पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर बात किया जाए फेस वॉश और मॉइस्चराइजर की तो बहुत ही कम प्रोडक्ट हैं जो कि सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को अच्छी तरह से स्किन में सूट करता है, जिसमें से एक है सिटाफिल नाम का फेस वॉश और मॉइस्चराइजर। बेसिकली इस कंपनी के फेस वॉश को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक कमी देखने को मिलती है क्योंकि इसमें पैराबेन जैसे केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। फिर भी इसका ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा है और पब्लिक रिव्यू के हिसाब से ये एक बेहतर फेस वॉश और मॉइस्चराइजर है। इसके अलावा भी कुछ कंपनी के फेस वॉश और मॉइस्चराइजर सेंसिटिव स्किन के लिए आते हैं, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें सभी तरह की स्किन टाइप में बिल्कुल कॉमन होती है जिसे हर किसी को अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए फॉलो करना चाहिए, जो कि है 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद, दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा तेल मसाले और चीनी से बनी चीजों से परहेज, थोड़ी देर फिजिकल एक्टिविटीज या एक्सरसाइज का करना और खाने में ताजे फल और हरी पत्तेदार सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना, क्योंकि अगर आप इस चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं तो बाकी की चीजें करने का आपको पूरा फायदा कभी भी मिल ही नहीं सकता, इसलिए इन चीजों को भी जरूर फॉलो करें। नंबर 5 पे आता है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन वाले लोगों की स्किन बहुत ही क्लियर और साफ रहती है, क्योंकि इस स्किन में ना तो बहुत ज्यादा ऑयल रहता है और न ही ये बहुत ज्यादा ड्राई होती है, जिसकी वजह से इसमें ज्यादातर किसी भी तरह की एक्ने, पिंपल्स और दूसरी स्किन प्रॉब्लम नहीं होती है और किसी भी तरह के माइल्ड क्लींजर का इस्तेमाल करना ही काफी हो जाता है। वीडियो में बताए सभी तरह के प्रोडक्ट की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चाहे तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।